हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक बता चुकी हूँ, आज जो क्वेश्चन बताऊंगी वो होगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व 60,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट द फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, यहाँ पे भी दो सिचुएशंस दी हुई हैं। पहली क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, और दूसरी दी है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो देखिए, पहली कंडीशन में तो जब दिख ही नहीं रहा है, दिखाया ही नहीं गया है जनरल रिजर्व को, तो सीधा सा हम दोनों पार्टनर्स में उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल सी एंट्री होगी केस वन में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रिजर्व है, 60,000 है, 40,000 और 20,000 के हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। और नरेशन में क्या लिख देंगे, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सेकंड वाली कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में वो जब दिखाया गया है, मतलब पहली वाली में था नहीं दिखाया गया है और दूसरी वाली में दिया है कि जब दिखाया गया है। तो जब दिखाया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें दोनों पार्टनर्स के जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो नया है उनके बीच ये देखना पड़ेगा कि किसने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेन किया है। और जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी स्टेप होती है, इसे हमें फॉलो करना होता है। तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, तो यहां पर पहले तो मैं लिखूंगी केस टू, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे हम ओल्ड रेशो 2:1 और न्यू रेशो 3:2। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है, आप भी देख लीजिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगी मैं अमर, यहाँ लिखूंगी अकबर। अमर का कितना है 2/3 और अकबर का कितना है 1/3 पुराना, उसमें से जब मैं 3/5 वो 2/5 माइनस करूंगी अकबर में से। ठीक है ना, करिए निकालिए एलसीएम, प्लस में आ रहा है 1/15। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 5 - 6 यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो जो माइनस में आ रहा है वो कौन है, वो है गेनिंग पार्टनर, और जो प्लस में है वो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना आपको। अब मैं क्या करूँगी, जो इसने गेन किया है उसकी वैल्यू निकाल लूँगी मैं 60,000 की। ठीक है ना, जो जनरल रिजर्व है उसमें से उसको मिलेगा ना जितना उसने बेचारे ने जिसने सेक्रीफाइस किया है उसका अमाउंट देखना पड़ेगा और जिसने गेन किया है उसका अमाउंट देखना पड़ेगा। और ये अकबर, निकालिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4,000। ठीक है, बस अब आप जो गेनिंग पार्टनर है, कौन है गेनिंग पार्टनर हमारा, अकबर, तो अकबर की आप क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे, अकबर को कर देंगे डेबिट। तो अकबर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट, कितने कितना अमाउंट आएगा? 4000। क्लियर हो गई ना? ये दो कंडीशंस दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है 17 में? मीता गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2018। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 एंड कॉन्टिजेंसी रिजर्व 9,000। नई चीज आ गई है। गुडविल वॉज वैल्यूड फॉर लाइक 80,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अबव ट्रांजेक्शन। देखो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, ये डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिए हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें पार्टनर्स को चुकाना पड़ता है अपने पास से, ठीक है ना? क्योंकि पार्टनर्स के ही एक्सपेंडिचर है ना, तो वो कैसे चुकाते हैं? अपना जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके आधार पर तीनों पार्टनर्स चुका देते हैं। तो जब पार्टनर्स पैसे देते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं और जो डिफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये क्लीन करके आपको क्या बताऊंगी कि किस तरह से जनरल एंट्री होगी, ठीक है? ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री करने से पहले यहाँ पर ये निकालना ज़रूरी है कि कौन सा पार्टनर्स गेनिंग है, कौन सा सेक्रीफाइसिंग है। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी हुई है और जब गुडविल की वैल्यू दी होती है तब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है और कौन सा पार्टनर गेनिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पता लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है ना? पहले पुराना रेशो क्या है, ओल्ड रेशो लिखूंगी। कितना है ओल्ड रेशो? 3:2:1। एंड न्यू रेशो लिखूंगी, न्यू रेशो कितना है? 5:3:2। देखिए है ना, क्वेश्चन में भी देखिए, मैंने स्क्रीन पे मतलब जो आपकी स्क्रीन है उस पर भी शेयर कर दिया था। और आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन लेके बैठिएगा, ठीक है? अब कौन कौन है? मीता गोपाल एंड फरहान। मीता का कितना है पुराना? 3:6। गोपाल का 2:6 एंड फरहान का 1:6। इसमें से हम नया रेशो माइनस करेंगे, 5:10, 3:10 एंड 2:10, ठीक है ना? तो निकालिए, चलिए एलसीएम तो आता है ना आप लोगों को निकालना। अब यहां पे तो नील आएगा, मतलब ना तो ये पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है और ना ही गेनिंग है। ये आएगा 1:30 और ये आएगा -1:30। तो माइनस वाला कौन सा पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर है। और ये कौन है? ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। समझ में आया ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए ये तो हमें आता है, हमने अभी पहले भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। अब हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्री। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो कौन देंगे? पार्टनर्स देंगे। तो कितने हैं? 30,000। तो मैं क्या एंट्री करूँगी? मैं एंट्री करूँगी मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? कितना का था? 30,000। रेशो क्या है पुराना? पुराना रेशो क्या है? 3:2:1। जब हमने उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ये क्या होगा? पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने से ये एंट्री होगी। अब क्या है नेक्स्ट? क्या है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व? ये तो रिजर्व है, तो रिजर्व का मतलब क्या है? यदि उसका कोई खर्चा नहीं हुआ है तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, तो रिजर्व की क्या एंट्री होगी? यहाँ पर
कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट एंड टू फरहान कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये क्या हो गई हमारी एंट्री हो गई। पेंस ठीक है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना, ये तीनों पार्टनर्स के मैंने नाम लिखे हैं। अब ये कितने की थी, 9000 के थे, बस तीनों पार्टनर पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपने घर ले जाएंगे। करिए डिस्ट्रीब्यूट तो कितना आएगा, 4500, 3000 और 1500। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया मैडम। अब जो लास्ट क्या है, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी है 4,80,000। यहाँ पर 4,80,000 गुडविल की वैल्यू दी है। तो जब इस तरह की गुडविल की वैल्यू दी रहती है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो चलिए मैं वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल देती हूँ। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, अमाउंट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4,80,000। 4,80,000 ही है ना, इसको 1/15 कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16,000। अब ये जो 16,000 का जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है, वो दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको मैं ऊपर लिख दूंगी, तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। कितना, 16,000। क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल सी एंट्रीज हैं, कोई उसमें ऐसा टेंशन की बात नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।